इन ड्राई हेयर्स को मैं 2 मिनट्स के अंदर सुलझाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं टास्क करने वाली हूँ कि इन ड्राई हेयर्स को मैं 2 मिनट्स के अंदर सुलझाने वाली हूँ। तो देखते हैं 2 मिनट के अंदर सुलझते हैं कि नहीं सुलझते। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए मोबाइल में टाइम लगे 4:56 हो गए हैं और मोबाइल को नीचे ही रखते 4:57 हो गया था, तो मैं यहाँ टाइम को 4:57 से काउंट करूँगी। पहले मैं बालों को नीचे से जो सुलझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन देखिए सबसे पहले तो बालों देख कितने उलझे हुए हैं कि कंघा भी इसमें से पास आउट नहीं हो रहा है। और यहाँ से देखिए अब मैं इसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करूँगी। पहले से मैं धीरे धीरे नीचे से सुलझाऊँगी ताकि इसकी जो बालों में जो गांठे पड़ी हुई हैं, नोट्स हैं, वो धीरे धीरे आराम से नीचे से खुलती जाएं। और इसको धीरे धीरे मैं आगे से ही खुलते जाऊं। और आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना टाइम लगता है जब आपके लॉन्ग हेयर उलझ जाते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से सुलझाने में आपको कितने से कितना टाइम लग जाता है। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से करके देख रहे हैं तो आपको कितना टाइम लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एक साइड से मेरे सुलझ चुके हैं एंड अब मैं दूसरी साइड से सुलझा रही हूँ बालों को। उनको भी पहले मैं नीचे से ही स्टार्ट करूँगी, धीरे धीरे नीचे से सुलझ से जाएंगी। जैसे ही उनकी बालों की नोट्स जो हैं वो धीरे धीरे कॉम की हेल्प से खुलती जाएंगी, तो क्या है बाल इतने नहीं टूटते। और लास्ट में आप खुद देखिएगा कि मेरे इतने उलझने के बाद बाल कितने टूटते हैं। और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये हेयर्स कॉम रिलेटेड वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं या व्लॉग रिलेटेड वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, जो भी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं इस वीडियो को रियल टाइम के हिसाब से ही बना रही हूँ, ना ही मैंने इसमें स्किप किया है, ना ही इसको स्टार्टिंग से मतलब टाइम को स्पीड में किया है, और ना ही मैंने इसमें से बीच में से कोई पार्ट काटा है। जो था वही आपके सामने दिखा रही हूँ। और कई लोग पूछते हैं कि आपके हेयर रिलेटेड मतलब आप क्या अपने हेयर्स के लिए रूटीन में क्या यूज़ करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे की आने वाली वीडियोस में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितना कमेंट होगा तो मुझे लगेगा कि ज़रूरी है कि नहीं है, तो मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो को। और यहाँ देखिए मैंने अपने सारे बाल सुलझा लिए हैं और ये इतने सारे बाल टूट गए हैं। और पहले देखिए मोबाइल में देख लेते हैं कि टाइम कितना हुआ है। और जस्ट जैसे ही मैंने उठाया इसका 5 o'clock हो गया, मतलब 1 मिनट, यानी कि जितना मतलब स्लो मोशन में मैंने किया था, अगर मैं थोड़ा सा और उसको फास्ट करती तो 2 मिनट में मतलब हो जाते हैं, मतलब मुझे 3 मिनट लग गए क्योंकि अपना 4:57 से स्टार्ट किया था, तो सॉल्व करने में बालों को सुलझाने में 3 मिनट लग गए हैं। ये देखिए ये बाल टूटे हैं, तो जितना मैंने सोचा था उससे कम ही हुए हैं। मुझे लगा क्योंकि होली की वजह से बाल बहुत ही ड्राई और बहुत ही उलझे और कलर भर जाते हैं बालों में, तो उसकी वजह से मुझे लगा बाल बहुत ज़्यादा टूटने वाले हैं, पर इतने बाल नहीं टूटे। अगर आपको भी जानना है कि मैं अपनी लॉन्ग हेयर को मतलब रूटीन में कैसे केयर करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ, कौन सा शैम्पू कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगी।
तो आई होप आपको मेरी आज का ये वीडियो, आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।